हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड के कक्षा 11th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारा ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं हिस्ट्री का। तो आप लोग का जो डिमांड हो रहा था कि सर आर्ट्स विषय वाले का भी क्वेश्चन डालिए, तो यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर के आ चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इसको जो है देखिए, और सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में इसी तरह से रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। साथ ही अभी तक आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट है। पहला बोलता है यहाँ पर है कि चंगेज़ खां की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1227 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 10,000। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था। तो इसका तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजन खान। अगला है, जर्मनी के फ्रेक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। तो जर्मनी के जो फ्रेक जनजाति के जो लोग थे उन्होंने निर्माण किया था फ्रांस का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुटेनबर्ग ने। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। आप लोग नाम सुने होंगे, गैलीलियो जो है एक महान वैज्ञानिक दार्शनिक थे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। रोमन साम्राज्य की अगर मुख्य भाषा की बात किया जाए तो वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैटिन भाषा। अगला है यहाँ पर, ये देखिएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा और 10th क्लास में भी पढ़ना था थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। अगला हम लोग देखेंगे तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली जो ज्ञात भाषा थी उसको बोला जाता था सुमेरियन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता की कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो आपको दिया गया है मिस्र है, चीन है, सिंधु नदी है। इसमें सबसे प्राचीन है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसको माना जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो ऊर नगर कहाँ था। तो ऊर नगर की बात किया जाए तो यह है दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, यानी साउथर्न मेसोपोटामिया। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है, मेसोपोटामिया कहाँ था। अगर बात किया जाए मेसोपोटामिया का तो अभी का आप लोग जानते होंगे इराक। तो इराक के भीतर ही मेसोपोटामिया हुआ करता था बहुत सालों पहले। अगला है, मक्का कहाँ है। तो अगला इसका जो यहाँ पे देखिएगा, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लैंड, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ अरब प्रायद्वीप। तो आप लोग को पता ही होगा कि मक्का जो है वो है अरब प्रायद्वीप में। ठीक, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो आज का मानव किस प्रजाति का है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, होमो सेपियंस, होमो एरेक्ट्स, होमोनिक और होमो हैबिलिस। तो अभी हम लोग जो है वो है होमो सेपियंस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है हम लोग देखेंगे तो मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी का बर्तन बनाना कब आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में जो लोग जो थे वो आग पर अपना जो है मिट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए है ग्रास है, ऑप्शन बी है पत्थर का किनारा है, ऑप्शन सी है हाथ कुल्हाड़ी, ऑप्शन डी है मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन औजार नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो शिल्पकृतियाँ क्या है। तो शिल्पकृतियाँ की अगर बात किया जाए 17 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, औजार भी है, मूर्ति उत्कीर्ण चित्र भी है, चित्रकारियाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैकडेमन है, प्रिस्टले है, विल्किंस है, उसके बाद स्टीफन्स है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, मैकडेमन ने सबसे पहले
सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला हम लोग देखेंगे तो यह बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन अगर नगर की बात किया जाए तो इसका प्रमुख देवता था मर्दुक। अगला हम लोग देखेंगे तो मंगलों का प्रिय पशु क्या था, तो घोड़ा हुआ करता था उनका जो है प्रिय पशु। अगला है मंगोल कौन थे, तो इसका जो हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया का जनजाति हुआ करते थे मंगोल। अगला हम लोग देखेंगे तो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, तो सामंतवाद की छोटी इकाई जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी नाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है टीथ क्या था, तो इसका जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 23वां का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीर्थ चर्च को दिया जाने वाला कर था। तो अगला हम लोग देखेंगे तो सामंतवाद का अधिक्रमण नहीं था, तो सामंतवाद का अधिक्रमण नहीं था तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट। अगला हम लोग देखेंगे तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रिगोरी को। अगला हम लोग देखेंगे तो पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ, तो पुनर्जागरण का जो काल स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इटली से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है द लास्ट सफर की रचना किसने की थी, तो द लास्ट सफर की रचना किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लियोनार्डो द विंची के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो है वो एक पेड़ के नाम पर ही रखा गया है। अगला हम लोग देखेंगे तो समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था, तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, तो इसका आंसर है मैगलेन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज किया गया था वास्को डी गामा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी, तो डिवाइन कॉमेडी की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दांते के द्वारा लिखा गया है। अगला हम लोग देखेंगे तो धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो धर्म सुधार आंदोलन के जो जन्मदाता थे उनका नाम था मार्टिन लूथर, जो अमेरिका के निवासी थे। अगला हम लोग देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई, तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आप लोग का सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स वाट को। अगला हम लोग देखेंगे तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो राष्ट्रीयकृत बैंक की जो स्थापना हुई थी तो सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, इस तरह से हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।